हेलो एस्पिरेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर्स क्विज में, जहां हम आपको प्रोवाइड करते हैं रोज के करंट अफेयर्स में से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो सभी। तो एस्पिरेंट्स, आज है 19 जुलाई, देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आज के करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन है, डैश हैज पार्टनर्ड विद इंडियन रेलवे टू डेवलप टेम्पर प्रूफ सिग्नलिंग सिस्टम बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। खालिस्तान ने ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित टेम्पर प्रूफ सिग्नलिंग सिस्टम विकसित करने के लिए भारतीय रेलवे के साथ साझेदारी की है। ऑप्शन है IIT दिल्ली, IIT रुड़की, IIT खड़गपुर या IIT कानपुर। तो हाल ही में IIT खड़गपुर ने ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित टेम्पर प्रूफ सिग्नलिंग सिस्टम विकसित करने के लिए भारतीय रेलवे के साथ साझेदारी की है। ऑप्शन सी IIT खड़गपुर इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, With which country did India sign MOU for cooperation in the field of education management and administration? चुनाव प्रबंधन और प्रशासन के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन किया है? ऑप्शन से कोलंबिया, क्यूबा, पनामा या कोस्टारिका। हाल ही में भारत ने पनामा देश के साथ चुनाव प्रबंधन और प्रशासन के क्षेत्र में सहयोग के लिए में साथ बढ़ देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाट इज द करेंसी नेम ऑफ पनामा? पनामा की मुद्रा का नाम क्या है? ऑप्शन से यूरो, पेसो, रियल या बलबुआ। तो पनामा की करेंसी का नाम बलबुआ है। ऑप्शन डी बलबुआ इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, हु अमंग देम has been designated as India's Sherpa for the GCRG process? इनमें से किसे GCRG प्रक्रिया के लिए भारत के शेरपा के रूप में नामित किया गया है? ऑप्शन से BVR सुब्रमण्यम, संजय वर्मा, अरविंद विरमान या अमिताभ कंत। तो अभी संजय वर्मा को CGRG प्रक्रिया के लिए भारत में शेरपा के रूप में नामित किया गया है। ऑप्शन बी संजय वर्मा इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप? वैश्विक संकट प्रतिक्रिया समूह में कितने सदस्य? 32 मेंबर्स, 30 मेंबर्स, 28 मेंबर्स या 16 मेंबर्स। वैश्विक संकट प्रतिक्रिया समूह में 32 मेंबर्स है। ऑप्शन ए 32 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, व्हाट परसेंटेज रेट हैज बीन रिकमेंडेड बाय द GST काउंसिल इन द ऑनलाइन गेमिंग कैसीनोज एंड हॉर्स रेसिंग? ऑनलाइन गेमिंग कैसीनो और हॉर्स रेसिंग में GST काउंसिलिंग द्वारा कितने प्रतिशत दर की सिफारिश की गई है? ऑप्शन से 28%, 24%, 16% या 20%। तो ऑनलाइन गेमिंग कैसीनो और हॉर्स रेसिंग में GST काउंसलिंग द्वारा 28% की सिफारिश की गई है। ऑप्शन है 28% इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ है, SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज हैज अपॉइंटेड डैश एज MD एंड CEO। SBI कार्ड और भुगतान सेवाओं ने खालिस्तान को अब MD और CEO के रूप में नियुक्त किया है। ऑप्शन से संजीव छाड़ा, एस विश्वनाथन, शांतिलाल जैन या रामा मोहन राव अमारा। तो SBI कार्ड और भुगतान सेवाओं ने हाल ही में रामा मोहन राय अमारा को अपने MD और CEO के रूप में नियुक्त किया है। ऑप्शन डी रामा मोहन राय राव अमारा इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर एट है, अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल फायर पावर व्हाट वाज इंडियाज रैंक इन द स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री? वैश्विक मारक क्षमता के अनुसार सबसे मजबूत सेना में भारत का स्थान क्या है? ऑप्शन से फिफ्थ रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक या फोर्थ रैंक। वैश्विक मारक क्षमता के अनुसार सबसे मजबूत सेनाओं में भारत का स्थान तीसरे नंबर पे है। ऑप्शन सी थर्ड रैंक इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर नाइन देखते हैं, विच कंट्री प्लेयर इज लुइस
सुआरेज हु वॉन द बैलॉन डी ऑर, लुइस सुआरेज जिन्होंने बैलॉन डी ऑर जीता है वो किस देश के खिलाड़ी हैं? ऑप्शन है स्पेन, जर्मनी, कुवैत या फिनलैंड। तो लुइस सुआरेज स्पेन के खिलाड़ी हैं, ऑप्शन ए स्पेन इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक इनॉग्रेटेड आईएफएससी बैंकिंग यूनिट एट जीआईएफटी सिटी, निम्नलिखित में से किस बैंक ने जीआईएफटी सिटी में आईएफएससी बैंकिंग यूनिट का उद्घाटन किया? ऑप्शन है बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, एक्सिस बैंक या बैंक ऑफ इंडिया। तभी बैंक ऑफ इंडिया ने जीआईएफटी सिटी में आईएफएससी बैंकिंग यूनिट का उद्घाटन किया है, ऑप्शन डी बैंक ऑफ इंडिया इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, हु इज द एमडी एंड सीईओ ऑफ बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ कौन है? ऑप्शन है श्री रजनीश कर्नाटक, श्री ए एस राजीव, श्री शांतिलाल जैन या एल बी प्रभाकर। तो बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ श्री रजनीश कर्नाटक है, ऑप्शन ए श्री रजनीश कर्नाटक इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड बाय द आईटीसी लिमिटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर, निम्नलिखित में से किसे आईटीसी लिमिटेड ने 5 साल की अवधि के लिए कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? ऑप्शन है संजीव पुरी को, सत्य नडेला, शांतनु नारायण या वसंत नरसिम्हन। तो हाल ही में आईटीसी लिमिटेड ने 5 साल की अवधि के लिए कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में संजीव पुरी को नियुक्त किया है, ऑप्शन ए संजीव पुरी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, इन विच ईयर आईटीसी वाज इनॉग्रेटेड, आईटीसी का उद्घाटन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन ए 11 दिसंबर 1918, 24 अगस्त 1910, 12 सितंबर 1912 या 14 अक्टूबर 1917। तो आईटीसी का उद्घाटन 24 अगस्त 1910 में किया गया था, ऑप्शन बी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच एयरपोर्ट बिकेम द फर्स्ट एयरपोर्ट इन इंडिया टू गेट 4 रनवेज एंड डुअल ईस्टर्न क्रॉस टैक्सीवे ईजीटी, 4 रनवे और डुअल ईस्टर्न क्रॉस टैक्सीवे पाने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा हवाई अड्डा बन गया है? ऑप्शन से राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट या इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत में डुअल ईस्टर्न क्रॉस टैक्सीवे और 4 रनवे पाने वाला पहला हवाई अड्डा बन गया है, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लॉन्च्ड अ फ्लेक्सिबल एंड रिवॉर्डिंग लाइफ इंश्योरेंस प्लान, निम्नलिखित में से किस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने एक लचीला और रिवॉर्डिंग लाइफ इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया? ऑप्शन है एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, बजाज एलियंस लाइफ इंश्योरेंस, रिलायंस निपॉन लाइफ इंश्योरेंस या मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। तो हाल ही में बजाज एलियंस लाइफ इंश्योरेंस ने एक फ्लेक्सिबल और रिवाइडिंग लाइफ इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया है, ऑप्शन बी बजाज लाइफ इंश्योरेंस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है, हु वाज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज डायरेक्टर इन चार्ज ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी जांजिबार, हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी जांजिबार के प्रभारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन से रजत मुना, मनोज सिंह गौर, प्रीति अघालियम या शेषाद्री शेखर। तो हाल ही में आईआईटी जांजिबार के डायरेक्टर इंचार्ज के रूप में प्रीति अघालियम को नियुक्त किया गया है, ऑप्शन सी प्रीति अघालियम इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है, फ्रॉम विच स्टेट इज एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर फिलिंग हिज नॉमिनेशन फॉर राज्यसभा, विदेश मंत्री एस जयशंकर
किस राज्य से राज्यसभा के लिए अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं? ऑप्शन है महाराष्ट्र से, हरियाणा से, गुजरात से या केरला से। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर गुजरात राज्य से राज्यसभा के लिए अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। ऑप्शन सी गुजरात इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैज डेवलप्ड अ न्यू वैरायटी ऑफ वीट कॉल्ड डैश। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने खालिस्तान नामक गेहूं की एक नई किस्म विकसित की है। ऑप्शन से पीबीडब्ल्यू आर एस वन, डीबीडब्ल्यू 252, एचडी 3385 या डीबीडब्ल्यू 222। तो हाल ही में पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने पीबीडब्ल्यू आर एस वन नामक गेहूं की एक नई किस्म विकसित की है। ऑप्शन ए पीबीडब्ल्यू आर एस वन इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है, इन विच स्टेट इन इंडिया विल डेल एंड इंटेल सेट अप द एआई स्किल्स लैब। डेल और इंटेल भारत में किस राज्य में एआई कौशल प्रयोगशाला स्थापित करेंगे? ऑप्शन से आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना या कर्नाटक। तो डेल एंड इंटेल एआई स्किल्स लैब तेलंगाना राज्य में स्थापित करेंगे। ऑप्शन सी तेलंगाना इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ जन विश्वास बिल। जन विश्वास बिल का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन से टू इंक्रीज पेनल्टीज फॉर माइनर ऑफेंसेस, टू इंट्रोड्यूस न्यू रेगुलेशन फॉर बिजनेस, टू क्रिमिनलाइज माइनर ऑफेंसेस, टू रिड्यूस द बैकलॉग ऑफ कोर्ट केसेस। तो जन विश्वास बिल का उद्देश्य है टू रिड्यूस बैकलॉग ऑफ कोर्ट केसेस। ऑप्शन बी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है, हाउ मैनी एंटिटीज वॉलेंटरली सरेंडर्ड देयर एनबीएफसी लाइसेंसेस। कितनी संस्थानों ने स्वेच्छा से अपने एनबीएफसी लाइसेंस सरेंडर किए हैं? ऑप्शन से 11, 12, 13 या 14। तो अभी 11 संस्थानों ने स्वेच्छा से अपने एनबीएफसी लाइसेंस सरेंडर किए हैं। ऑप्शन ए 11 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है, विच कंट्री इज द सोर्स ऑफ राफेल मैरिनर एयरक्राफ्ट अप्रूव्ड फॉर प्रोक्योरमेंट। राफेल मैरिनर विमान के स्रोत को किस देश में खरीद के लिए मंजूरी दी गई है? ऑप्शन है फ्रांस, न्यूजीलैंड, जर्मनी या फिनलैंड। तो हाल ही में राफेल मैरिनर विमान के स्रोत को फ्रांस में मंजूरी दी गई है। ऑप्शन ए फ्रांस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस। फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? ऑप्शन है किंग सलमान, अलेक्जेंडर वैंडर बेलेन, एम्मानुएल मैक्रोन या माइकल डी हिगिन्स। तो फ्रांस के राष्ट्रपति हाल ही में एम्मानुएल मैक्रोन है। ऑप्शन सी एम्मानुएल मैक्रोन इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द न्यू बैंक कैटेगरी। निम्नलिखित में से कौन नई बैंक श्रेणी से संबंधित नहीं है? ऑप्शन से नियो, पेपाल, रेजर पे या जुपिटर। तो इनमें से पेपाल नई बैंक श्रेणी से संबंधित नहीं है। ऑप्शन बी पेपाल इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हेन वाज द ग्रीन बैंकिंग कॉन्सेप्ट इनिशियली इंट्रोड्यूस्ड। ग्रीन बैंकिंग अवधारणा को शुरू में कब पेश किया गया था? ऑप्शन से 2002, 2004, 2009 या 2012। तो ग्रीन बैंकिंग अवधारणा को शुरू में 2009 में पेश किया गया था। ऑप्शन सी 2009 इज द आंसर। तो आज के करंट अफेयर्स के ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। तो आज के करंट अफेयर्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे मैंने आपको कवर करवा दिए हैं। आप जहाँ भी अपने करंट अफेयर्स की क्लासेस लेते हैं लेते रहिए, यहाँ आप कर सकते हैं डेली बेसिस पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में टॉप 25 क्वेश्चंस के साथ।